जिवें जिवें वोटां दे दिन नेड़े आउंदे जा रहे ने उवें उवें ही जो विरोधी पार्टियां हन एक दूजे दे उत्ते निशाना कसण तों बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रही। हालांकि लगातार इहो जिहियां वीडियो सामने आ रही हैं जिस दे राही लगातार विरोधी पार्टियां एक दूजे का विरोध करदियां हुई नजर आ रही ने। इसे तरह हुण डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने मुलाजमान दे वल्लों पटियाला विखे किए गए प्रदर्शन की हिमायत करदियां कहा है कि सरकार ने मुलाजमान दे नाल धोखा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आप हड़ताल से चल रही है अते 42 दिन हो गए हैं अजे तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं की गई जबकि नवजोत सिंह सिद्धू सरकार नु मेमोरेंडम दे के ड्रामे कर रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट के मंत्री जो साथ देने तैयार 42 दिन हो गए हैं हाले तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई जिहड़ी सरकार की 42 दिन इन्ह इलैक्शन के नेड़े जाके भी मीटिंग नहीं होती वो सरकार दसो की करेगी। सिद्धू साहब अपने ड्रामे करी जाते कि लोगों को दिखाने वास्ते वो मेमोरेंडम दे जाते उन्होंने पता ही नहीं कि मैं रूलिंग पार्टी का प्रधान हूँ। मेमोरेंडम तो आपोजिशन देती होंगी है मुलाजम जथेबंदियां व्यापारक जथेबंदियां बाकी जथे होंगे तुम तो रूलिंग पार्टी के प्रधान तुम तो फैसला लागू करा के उन्होंने कोल बैठ तुम भी जी है गोगलों तो मिट्टी झड़ी जाते कि मैं जाके लिख के दे इस करके तो सरकार नाम की हम कोई चीज़ रह नहीं गई। इदा शुक्र करो कि हम किसी दिन इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट हो गए कोर्ट लगे तो लोग इस सरकार को चल रहे हैं। पूरा मामला तुसीं देख चुके हो इस तो बाद डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा नूं लैके तुसीं अपने वालों की कमेंट देना चाहते हो क्या वाकई डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा आम लोगों के हक के लिए गल कर रहे हैं जां फिर यह आने वाले समय दे विच जो वोटां होनियां हन उन्हां नूं लैके निशाने साधे जा रहे हैं। अपने वालों पूरे मामले लैके की कमेंट देना चाहते हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना।